बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। माय नेम इज़ सिंधु नसीर, स्टूडेंट ऑफ बीएड एलिमेंट्री ऑनर्स पार्ट 3 सेमेस्टर 6 रोल नंबर 52। टुडे आई डिलीवर माय प्रेजेंटेशन। माय प्रेजेंटेशन टॉपिक इज साइकोएनालिटिक थ्योरी एंड सब्जेक्ट नेम इज़ गाइडेंस एंड काउंसलिंग। दिस presentation assigned by Dr. Amjad Ali Yarai. So let's start. Introduction. Psychoanalytic therapy is a form of taking therapy based on their theories of Sigmund Freud. This theory created by Sigmund Freud, considered one of fourth father of psychology. Freud is the founder of psychology. This form of therapy is considered a long process. Long-term choice and section and continuous for week, months or every events depend on the any patients, any client, any student. Sigmund Freud says this process is very long process, not short-term process. सिगमंड फ्रॉइड का ये कहना है कि ये प्रोसेस एक लॉन्ग प्रोसेस है, डिपेंड करता है एनी क्लाइंट, एनी स्टूडेंट, एनी पेशेंट। हिस्ट्री ऑफ साइकोएनालिटिक थ्योरी हैज मेंशन्ड अबाउट थ्योरीज बिहाइंड साइकोएनालिसिस एंड साइकोएनालिटिक थेरेपी come from the work of Sigmund Freud during 18th centuries. He became a neurologist. Sigmund Freud ने 18th century पे इस theory पे काम किया और वो एक neurologist भी थे, और इसके अलावा इन्होंने एक lady पे काम किया था जो इस disease का शिकार थी, जो इस डिजीज़ का उस पर इफ़ेक्ट था। नाउ सेकंड स्लाइड कंटिन्यू। फ्रेंड कंटिन्यूस हिज वर्क डेवलप दिस ओन मेथड। सिगमंड फ्रेंड ने अपना ये काम जारी रखा और काफ़ी हद तक मतलब अच्छे से अपनी ड्यूटी निभाई। सिगमंड फ्रेंड ने ये काम जारी रखते हुए दो एसोसिएशंस बनाई। फर्स्ट वन इज फ्री एसोसिएशन, सेकंड वन इज ड्रीम एनालिसिस। फ्री एसोसिएशन एसोसिएशन मींस एक मतलब एक ग्रुप को क्रिएट करना, एक टीम को क्रिएट करना कि फर्दर इसमें लोगों की हेल्प हम कर पाएँ। और ड्रीम एनालिसिस लोगों की थिंकिंग समझना, लोगों के पास्ट के बारे में समझना, उनके साथ जो वाक़यात हुए हैं उनके बारे में समझना। दिस थ्योरी बेस्ड ऑन ह्यूमन पर्सनैलिटी, ये टोटल थ्योरी बेस करती है ह्यूमन पर्सनैलिटी पे। देयर आर थ्री एरियाज, सिगमंड फ्रेंड ने थ्री एरियाज दिए थे ह्यूमन पर्सनैलिटी के। फ्रेंड्स आइडियाज दैट ट्रू नॉलेज ऑफ पीपल एंड देयर प्रॉब्लम्स इज पॉसिबल थ्रू ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑफ थ्री पर्टिकुलर एरियाज ऑफ ह्यूमन माइंड। सिगमंड फ्रेंड का ये कहना है कि अगर हम किसी भी क्लाइंट के कुछ इमोशंस के बारे में, कुछ चीज़ों के बारे में अंडरस्टैंड कर सकें तो हम इजीली से मतलब पता लगा सकते हैं कि उसके साथ प्रॉब्लम कौन सा है। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट एरिया द कॉन्शियंस। द कॉन्शियंस को हमारे माइंड कई अपर लेयर भी कहते हैं। द कॉन्शियंस डिफाइंस ऑल थॉट्स एंड एक्शन विद इन आवर अवेयरनेस। थिंग्स दैट वी आर अवेयर ऑफ including feelings or emotions such as hungry, sadness, surprise, happiness.
हमें किसी भी चीज़ की फुल इंफॉर्मेशन होती है, हम उस चीज़ को फुल एनालाइज करते हैं, किसी भी चीज़ को फुल एनालाइज करते हैं, फुल अंडरस्टैंड करते हैं, देन हम उस चीज़ का रिप्लाई देते हैं। हम कॉन्शियंस में ये आता है कि किसी भी चीज़ की अंडरस्टैंडिंग हमारे पास हो, उस चीज़ को हम एनालाइज करें, उसका डेटा कलेक्ट करें, देन हम उस चीज़ का रिप्लाई करें। इसमें हमारी क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग भी आ जाती है। नाउ सेकंड वन इज़ द सबकॉन्शियंस। सबकॉन्शियंस में हमारे ऑटोमेटिकली रिएक्शन आ जाते हैं, ऑटोमेटिकली रिएक्शन हमारे आ जाते हैं। हम किसी भी चीज़ के हवाले से यूज्ड टू हो जाते हैं, स्किलफुल हो जाते हैं, तो वो हम चीज़ ऑटोमेटिकली कर जाते हैं। जस्ट लाइक कुकिंग, कुकिंग जब हमें आती है तो हम मतलब ऑटोमेटिकली हम कर लेते हैं और बहुत अच्छी कर लेते हैं। जब हम उस चीज़ से हम यूज्ड टू हो जाते हैं या यूज़फुल हो जाते हैं और स्किलफुल हो जाते हैं, और जब भी हम वो चीज़ स्टार्ट करते हैं, जस्ट लाइक एक बच्चा है जब वो बाईसाइकिल चलाना स्टार्ट करता है तो हमें उससे मतलब गाइडेंस देने की ज़रूरत पड़ती है, हम उसे बहुत गाइड करते हैं, उसके हम काउंसलर बनते हैं, लेकिन देन वो उस चीज़ में बहुत अच्छा हो जाता है और वो चीज़ बहुत अच्छे तरीके से कर जाता है। देन आई टेल यू डिफरेंट बिटवीन कॉन्शियंस एंड सबकॉन्शियंस। कॉन्शियंस में हमारे पास किसी चीज़ की अंडरस्टैंडिंग होती है, हम उस चीज़ को एनालाइज करते हैं, देन हम उस चीज़ का रिप्लाई करते हैं। एंड सबकॉन्शियंस में ये होता है कि हमारे ऑटोमेटिकली रिएक्शन, हमारी ऑटोमेटिकली चीज़ें हमसे हो जाती हैं। देन थर्ड वन इज़ अनकॉन्शियंस। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माइंड। Define all past event and memories. Unconscious में हमारे past का बहुत effect पड़ता है हमारे present पे। हमारा जो past है ना बहुत affected है हमारे present पे। अगर हम past में किसी चीज़ से डरते हैं तो मतलब future में भी हम उस चीज़ से डरते हैं। अगर हम पास्ट में हमारे साथ कोई ऐसा मतलब वाकया होता है या को एक्सीडेंट होता है तो वो हमें मतलब फ्यूचर तक याद होता है और हम उस चीज़ से बहुत डरते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें कोई टीचर पढ़ा रहा है और वो टीचर बहुत स्ट्रिक्ट है और बहुत रूडली बिहेव करता है और हम उनसे कोई भी चीज़ पूछने के लिए मतलब डरते हैं या वो टीचर अपने स्टूडेंट पे तशद्दुद करता है, तो अगर मतलब देखा जाए तो उसके पास्ट में ऐसे टीचर्स रहे होंगे, इसलिए उसका बिहेवियर रूड है, तो इसीलिए वो फ्यूचर में भी इतना रूड है। अगर उसको जब वो स्टूडेंट था उसे अगर कोई गुड गाइडर या गुड काउंसलर होता तो मैं भी उसके जो पर्सनैलिटी है या उसके जो बिहेव है वो चेंज होता। एंड देन सिगमंड फ्रॉयड ने 3 एलिमेंट्स बताए हैं इस थ्योरी के। फ्रेंड मेंशन दैट द पर्सनैलिटी कंसिस्ट ऑन 3 रिलेटेड एलिमेंट्स। फर्स्ट वन इज़ इद, द इद। सेकंड वन इज़ द ईगो। थर्ड वन इज़ सुपर ईगो। सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट वन, द इद। इद, इट इज़ देयर फॉर प्रेजेंट फ्रॉम और पॉसिबली बिफोर बर्थ। ये आपको दिखाई दे रहा है कि जो इद पर्सनैलिटी है या इद एटीट्यूड है वो जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो इड पर्सनैलिटी के साथ पैदा होता है, इड एटीट्यूड के साथ पैदा होता है, और ये अनकॉन्शियस पार्ट है हमारे माइंड का। जब मतलब इसमें बच्चे को इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कि जो मैं कर रहा हूँ क्या ये सही है और क्या ये गलत है, क्या
क्या इस पे हमारी मतलब घर पे या हमारे इर्द गिर्द पे असर हो रहा है या नहीं हो रहा, उससे मतलब कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होती इस चीज़ की। बस उससे मतलब जो दिल करता है वो बच्चा एक कर जाता है, और वो किसी चीज़ से नहीं डरता, और ना उसे सही का पता होता है ना उसे गलत का पता होता है। एज अ गाइडर काउंसलर उसे अपने पेरेंट्स गाइड करते हैं और उनके काउंसलर बनते हैं। देन सेकेंड वन इज़ द ईगो। द ईगो इट्स डिफाइंड एज द रियलिस्टिक अवेयरनेस ऑफ सेल्फ। इट इज़ द लॉजिकल एंड कॉमन सेंस साइड टू अवर पर्सनैलिटी। फ्रेंड बिलीव दैट द ईगो डिवलप इज द इन्फेंट बिकम अवेयरनेस दैट इट इज़ अ सफरिंग बिगिंग फ्रॉम इट्स पेरेंट। ईगो इद और सुपर ईगो को बैलेंस करता है। मीन्स ईगो इद को और सुपर ईगो को बैलेंस करता है। ये टोटली रियलिटी पे बेस है, सोशल रियलिटी एंड नॉर्म्स पे। इसमें मतलब उसे उस इस हिसाब की अंडरस्टैंडिंग होती है, मतलब उसकी पर्सनालिटी इस हिसाब से डेवलप होती है कि जो मैं कर रहा हूँ इट्स राइट इट्स रॉन्ग। इस पे हमारे सोशल पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, हमारे नॉर्म्स पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है। देन सेकेंड वन इज़ द सुपर ईगो। सुपर ईगो में ये होता है कि डिवलप लेटर इन द चाइल्ड लाइफ फ्रॉम अबाउट द एज ऑफ 3। मतलब जब एक बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है तो वो मॉरलिटी प्रिंसिपल सीखता है, अपने पेरेंट्स से मॉरलिटी प्रिंसिपल सीखता है, वैल्यूज़ के बारे में सीखता है। और मतलब उससे मतलब टोटली अंडरस्टैंडिंग होती है कि उसके अपने बिहेवियर की, या उसे अपने मतलब जो पेरेंट्स हैं वो गाइड करते हैं, उनके काउंसलर बनते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है कि हमारा द मेन गोल ऑफ साइको डायनामिक थ्योरी, साइको एनालिटिक भी कहते हैं इसे, साइको एनालिटिक भी कहते हैं, साइको डायनामिक भी कहते हैं, साइको एनालिटिक थ्योरी भी इसे कहते हैं। द मेन गोल ऑफ साइको डायनामिक काउंसलिंग देयर फॉर इज़ अ हेल्प पीपल टू बैलेंस द 3 एलिमेंट्स ऑफ देयर पर्सनैलिटी सो दैट नाइदर द इद नॉर द सुपर ईगो और डायनामिक। मतलब साइको एनालिटिक मतलब हमें मतलब हमारी पर्सनैलिटी को बैलेंस करने में हेल्प करती है कि हम अपनी इद पर्सनैलिटी, ईगो पर्सनैलिटी और सुपर ईगो पर्सनैलिटी को कैसे अंडरस्टैंड करें और कैसे बैलेंस करें। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ हाउ डज साइको एनालिटिक थियोरी वर्क, फ्री एसोसिएशन एंड ड्रीम एनालिसिस, रिलेशनशिप विथ गाइडेंस एंड काउंसलिंग। साइको एनालिसिस इज़ यूज टू इनकरेज द क्लाइंट टू एक्सप्लेन चाइल्डहुड और अर्ली मेमरीज, डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इवेंट। मतलब इसका रिलेशनशिप ये है कि मतलब जो हमारे पास क्लाइंट आता है तो हम उसकी मतलब जो डीप थिंकिंग है या उसके साथ जो भी इवेंट पास्ट में इवेंट्स हुए हैं, वाक्यात हुए हैं, हम उनको फुल अंडरस्टैंड कर सकें, उसके प्रॉब्लम्स को समझ सकें, हम उस उनके गुड गाइडर एंड गुड काउंसलर बन सकें। ऐसे नहीं कि मतलब वो डायरेक्टली हमारे पास आए और हम मतलब अपने सवालात शुरू कर दें, ऐसे नहीं। एक मतलब फ्रेंडली बॉन्ड के साथ हम उनसे पूछें, मतलब ऐसे उनसे पूछें कि कोई मतलब अगर ख्वाब की सूरत में उनसे पूछें, या ऐसे मतलब अच्छे वे से हम उनसे पूछ सकते हैं और अच्छे वे से पूछ सकते हैं, और वो हमें मतलब अच्छे वे से बताएंगे तो हम उनकी अंडरस्टैंडिंग भी समझ सकेंगे।
एंड दिस इज़ माई प्रेजेंटेशन, प्लीज़ लाइक माई प्रेजेंटेशन एंड सब्सक्राइब दिस पेज. थैंक यू. इट्स मी सिंधु नसीर. अल्लाह हाफिज़.